लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाल जी हैं? जी हाँ, आपका नाम? चंदर। अरे चंदर, आओ अंदर आओ। ये मेरी बेटी रमा और हमारी यूनियन के नए लीडर। मुंह देखने से तो लगता है आपने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं। चलिए बाबूजी के साथ मैं आपका खाना भी लगा देती। नहीं बहन, मुझे भूख। आप खाना खाकर जाएंगे। बड़ी जिद्दी है, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। पिल्ला जी, आप यूनियन की जिम्मेदारियां वापस ले लीजिए। क्या मतलब? इसे हॉर्स देखा नहीं जाता, मैं तो घबरा गया हूं ये गरीबी देखकर। पहली बार देख रहे हो पिल्ला जी, अब अपनी जगह पे आ जाइए, मैं वापस जा रहा हूं। चंदर, तुम वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्या जानते आप मेरे बारे में? बेटा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिससे दुख दर्द देखा नहीं जाता ना, उसका इलाज वही कर सकता है। उसका विवेक उसे इस दुख दर्द से मुंह मोड़ के जाने नहीं देता। लेकिन जी, क्या बता सकते हैं क्यों है ये गरीबी, क्यों इतनी तकलीफ में है लोग? इसके कारण तो कई हैं बेटा, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये कि कुछ गिने चुने लोग इस देश का सब कुछ खरीद लेना चाहते हैं। जमीन, ये धरती, ये सब कुछ। क्या ये सब कुछ खत्म नहीं किया जा सकता? वही तो हमारी कोशिश है चंदर। जिस दिन राजनीति करने वाले पावर में रहने के बजाय जनता की भलाई का सोचने लगेंगे, या फिर जिस दिन जनता ये जान जाएगी कि उसके असली नेता कौन है और नकली नेताओं को खत्म कर देगी, उसी दिन ये सपना पूरा होगा। पता नहीं ये इंकलाब कब आएगा, कैसे आएगा। यहाँ के लोग भी तो इतने शांति परस्त हैं कि उन्हें खाने को ना मिले तो खाने की दुकान के सामने बैठकर भूखे शांति से बैठ जाएंगे। बाबूजी, खाना लग रहा है। रमा बेटी, अंदर आओ। चंदर, अगर तुम चाहो तो रमा से बहुत कुछ जान सकते हो। किस बारे में? इसका पति बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर, स्ट्राइक के वक्त मरवा दिया गया। शादी हुए तब साल भर ही हुआ था, उसके बाद ही मैंने अपनी यूनियन की जिम्मेदारी संभाली। सोचा कि मरना है तो लड़के मरेंगे, पांव तले कुचल के क्यों मरे। पर इस काम में रमा मेरी गुरु हो गई। कैसे बातें करते हैं बाबूजी? मैं तो घबरा गया हूं बहन, कोई रास्ता नजर नहीं आता। चंदर भैया, आप अपने लोगों से प्यार करते हैं ना, उनका दुख दर्द समझते हैं ना, बस यही काफी है। वो प्यार अपने आप रास्ता दिखा देगा। चंदर, ओ चंदर! अरे ढूंढू तू? हाँ जल्दी चल, आलम की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? मुंह से ढेर सारा खून निकला, बचने की कोई उम्मीद नहीं, अस्पताल तक जाने को तैयार नहीं, बस तुझको याद कर रहा है। जल्दी मम्मी, बंधु नहीं आया अभी? अभी आ जाएंगे, भैया गए हैं बुलाने। कब आएगा? अब मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं भैया, ऐसे मत कहो,
तुम अच्छे हो जाओगे। बंधु बंधु क्या हुआ बंधु? अब कोई गम नहीं, तुम्हारे बगैर ये महफिल अधूरी लग रही थी और अधूरी महफिल से कैसे उठता ये बदनाम शायर। तुम्हें उठने कौन देता बंधु? चल अस्पताल चले, दोनों एम्बुलेंस बुला। नहीं मत मंगाओ एम्बुलेंस, अब तो तुम्हारे कंधों पर ही चलूंगा बंधु। तुझे दोस्ती की कसम, आज तू वैसे करेगा जैसे मैं कहूंगा। आखिरी दिन तो मेरी कसम चलने दी होती बंधु, मेरे मरने के बाद ये पतंगे बच्चों में बांटते ना। आलम आलम एक और बात, फिर वो गीत सुना दो जिसकी तुम बनाई थी तुमने। तुम अच्छे हो जाओ बंधु, जरूर सुनाऊंगा। देखो दोस्त, मैं भी कसम दे दूंगा दोस्ती की। बंधु 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 एम्बुलेंस आ गई। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता और नहीं देखा जाता मुझसे। तो कौन कहता है तुझे देखने के लिए? तेरा काम पूरा हो गया, चल छोड़ा। छोड़ू कैसे, उनकी भूख प्यास की जड़ें मेरे अंदर खुब गई हैं, कभी नहीं जाती। पता नहीं यार तू कैसी बातें कर रहा है, आजकल तो तेरी जबान भी समझ में नहीं आती। मेरी हालत अगर तू समझता तो मेरी जुबान भी तेरी समझ में आ जाती। विकी मेरा एक काम कर दे, मैं अपने जमीन साफ करके जा सकूंगा। क्या उनके पैसे बढ़ा दे, उनकी महंगाई की मांग पूरी कर दे। महंगाई महंगाई भत्ता तो मिलता ही है उनको। सिर्फ नाम के लिए विकी, सिर्फ नाम के लिए, ये सब दिखावा है। महंगाई के नाम पर कुछ रुपए मिलते हैं, पता लगता है बाजार का भाव दूसरे दिन 10 गुना बढ़ गया। सुबह शाम वही सूखी रोटी खाने को मिलती, जब ज्यादा सूख जाती तो चाय में डुबो के निकल जाते। विकी महीनों उनके घरों में दाल या सब्जी नहीं बनती। आलू जो 8 रुपए किलो मिलते थे आज 1.5 रुपए किलो मिलते हैं। गोभी जो ओफो, कहां तू आलू गोभी के भाव लेके बैठ गया है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? कल ही मैं डीए मंजूर करा देता हूँ। किस बात का डीएनएस अलाउंस, कीमतें बढ़ गई क्या? हमने बढ़ाई है, हमने बढ़ाए आटे दाल के भाव। गवर्नमेंट का फर्ज है प्राइस लाइन पर कंट्रोल रखना, गवर्नमेंट से जाके मांगे अपना डीएनएस अलाउंस। लेकिन डायरेक्ट ये तो आप ही के वर्कर्स है ना, दिन रात चाय में रोटी डुबो के खाएंगे तो काम क्या करेंगे? तुमने कब से उनकी रोटी चाय देखनी शुरू कर दी? तुम्हें किसने बता दिया ये भाव आटे के दाल के? डैड वो तो अच्छा 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 तो तुम्हें फिक्र लग गई है तो मुझे भी कुछ सोचना ही पड़ेगा। देखो सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की? 11 बजे, बस अभी जा रहा हूँ, रास्ते में द्वितीय साहब को पिकअप करना है। वेरी गुड, जल्दी से फैक्ट्री जगह का सौदा पक्का करके आओ, बहुत आइडियल जगह है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वहां बॉर्डर का झगड़ा चल रहा है। इसलिए तो देखो बेटे, थोड़ी सी दूरंदेशी की बात है, डिवाइड एंड रूल। बहुत बड़ा पुराना गुर है जो अंग्रेज जाते जाते हमें दे गए थे। मजदूरों से काम लेने के लिए जरूरी है कि उनकी एकता को तोड़ के रखो, उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दो कि वो हिंदुस्तानी एक ही कौम के, बल्कि कहो तुम मद्रासी हो, तुम बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, तुम बिहारी। ये आप क्या कह रहे हैं डैड, ये तो गद्दारी है, एब्सोल्युटली एंटीनेशनल। बेटा बात है काम निकालने की। एक अरसे तक हम लोग हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करा के मजदूरों की एकता तोड़ते रहे और अपना काम निकालते रहे, पर क्या करें, वो चाल भी आहिस्ता आहिस्ता समझ गए ये लोग। अब एक नया गुर मिला है, बॉर्डर का झगड़ा। इधर के लोगों से कह दो कि उधर के लोग तुम्हारी जमीन से कमा के खा रहे हैं, बस काफी है, आपस में लड़ते रहेंगे, जान दे देंगे। समझते हैं जमीन का उतना सा टुकड़ा उनके प्रांत में आ गया तो राजा हो जाएंगे। राज तो हम करेंगे बेटे, उन्हें तो वही रोटी और प्याज मिलेगा जो मिलता रहा है।
तू जाना जाके बना फैक्ट्री, बाद में सोमू को भी बुला लेना और फिर संभालना दोनों मिलके, अपने आप सीख जाओगे। ओके डैड। जैसी? हाँ सर। तू विक्की पर नजर रखता है ना? बिल्कुल सर। उसे गुड़ तेल आटे का भाव कैसे मालूम हुआ? साहब वो चंदर है ना, नया यूनियन लीडर, वही सारा छोटे सबको भड़काता है, जब जब वो खुसुर 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 करता है। और साहब वो हरामजादे यहाँ घर पे भी आता है, छोटा सबका कान भरता है। चंदर बड़े सेठ आ गया, साथ में साला कुत्ता भी है। सोमू क्या कर रहा है यहाँ? मैं घर से लड़के आया है क्या? अरे पागल, तू तो मालिक है यहाँ का, तुझ में और विक्रम में कोई फर्क है भला? ए, तुम दोनों मिलकर कोई तमाशा तो नहीं कर रहे? कोई भरोसा नहीं तुम दोनों का, चल आ, आ मेरे साथ। हुआ क्या कुछ बता दो सही। छी 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 छी, इंसान का कोई भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन किसका, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या बोलूं, चंदर जैसा आदमी अगर मजदूरों को धोखा दे जाए तो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ है, चंदर सेठ का आदमी निकला। सोच के देखो, अगर ये मालकों का आदमी होता तो मालिक साहब के सामने इसकी पोल नहीं खोलते। ये मालकों की चाल है, वो इसे अटकाना चाहते हैं, क्योंकि उनका आदमी होते हुए भी अब मजदूरों का दोस्त बन गया है। तो बेटा पिपनाल जी, ये सच है, मैं आया था मजदूरों यूनियन तोड़ने, लेकिन इनके साथ रह के इनकी जिंदगी देख। जानता हूं बेटा, रत्नाकर मरा मरा बोलते बोलते राम राम कहना सीख गया। चलो चलो उसे अंदर ले चले।